कुछ लोगों का मतलब मानना था कि लड़कियां जो है नहीं कर पाएंगी, ये क्या करेंगी, ये क्या औजार उठा पाएंगी, टूल्स उठा पाएंगी, इतने भारी जो हमारे इंजन पार्ट्स हैं ये कर पाएंगी। और क्यों नहीं, ऐसा भारी काम कर सकते हैं, जब सब लोग सिखाने वाले हैं तो कर ही सकते हैं। अगर कभी आपकी कार या बाइक खराब हो जाती है तो जायज सी बात है आप उसे ठीक कराने मैकेनिक के पास जाते हैं, और ज्यादातर वह मैकेनिक एक पुरुष ही होता है। पर कानपुर में यूपी रोड ट्रांसपोर्ट की कार्यशाला में एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है। यहाँ जो मैकेनिक रोडवेज की बड़ी बड़ी बसें ठीक करते हैं उनमें से 10 मैकेनिक महिलाएं हैं, जिनकी उम्र 19 से 32 वर्ष के बीच में है। कुछ महिला मैकेनिक तो माँ भी हैं और घर बार और बच्चों के साथ साथ बसों को भी ठीक करती हैं बड़े बड़े औजारों से। इन महिला मैकेनिक ने ये साबित कर दिया है कि ये पुरुषों से किसी भी चीज में कम नहीं। इस कार्यशाला में इस समय 10 लड़कियां काम कर रही हैं कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत। इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ली, इसके बाद मैंने इनको यहाँ पर काम दिया, जैसे क्लच पेड बनाना, प्रेशर पेड बनाना, एसी कंप्रेसर हेड बनाना, इंजन का काम करना, कुछ फील्ड में लगी हैं वर्कशॉप में, जैसे पहिए ओवरहॉलिंग करना, मेंटेनेंस है, गियरबॉक्स है और रनिंग काम वो सभी करती हैं। हम लोग ने 2 साल का कोर्स किया था विकास नगर डिपो से, और उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग मिली। और क्यों नहीं, ऐसा भारी काम कर सकते हैं, जब सब लोग सिखाने वाले हैं तो कर ही सकते हैं। काम बराबर होता है, अगर खुद में मेहनत हो तो छोटा काम भी बड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हम लोग हर कोई मेहनत करते हैं यहाँ पे। पहली बार जब आए थे तो काम करने में थोड़ा सी दिक्कत होती थी, पर जब हम लोग सीख गए तो अब हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे काम करने की। स्टार्टिंग में जब आए थे यहाँ बताया कि हम लोग इसमें काम कर रहे हैं रोडवेज में, फिर वहाँ औरतों का क्या, वहाँ तो आदमी काम करते हैं, तो हमने कहा नहीं, जो चीज़ हम लोग को मिली वो हम लोग भी कर सकते हैं और भी लोग करते हैं काम यहाँ पे। कुछ लोगों का मतलब मानना था कि लड़कियां जो है नहीं कर पाएंगी, ये क्या करेंगी, ये क्या औजार उठा पाएंगी, टूल्स उठा पाएंगी, इतने भारी जो हमारे इंजन पार्ट्स हैं ये कर पाएंगी। पुरुष प्रधान लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, लड़कियां आज किस क्षेत्र में है नहीं, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं आगे चल रही हैं। बीए वगैरह किया था, टीचरिंग लाइन में भी थे, होम ट्यूशन में पढ़ा, लॉकडाउन के बाद सर कौशल विकास की ट्रेनिंग करी, और फिर सर योगी और मोदी राज सरकार की तरफ से हम लोगों को मौका मिला जॉब करने का। कंधे से कंधा मिला चलते हैं ये लोग, उनका बैच बना है, उनके साथ जेंट्स भी काम कर रहे हैं और पूरी लगन से काम करते हैं ये लोग, और ग्रोथ तो हो ही रही है, विभाग इनका पैसा भी बढ़ा रहा है, अभी 2 बार बढ़ भी चुका, अभी नया आदेश आया, इनको 6500 रुपये मिलते थे, अब इनको 7800 रुपये हो गया है, और इसके बाद 2 साल के बाद 11000 होगा, 500 13500 हो गया, ये लगातार पैसा इनका बढ़ रहा। बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप और हम रोज मिल सकें।